नमस्कार, आप न्यूज फोर नेशन देख रहे हैं। विधानसभा चुनाव में एनडीए ने काफी बहुमत लाया, जिसके बाद लगातार मुख्यमंत्री के चेहरा के लिए लगातार लोगों के बीच चर्चित थी। लेकिन उसी बीच प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कह दिया था बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, जिसके बाद नीतीश कुमार ने ट्वीट करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दी है। इसी बीच नवादा में अब उप मुख्यमंत्री के चेहरा के लिए लगातार सुशील मोदी का भी विरोध होना शुरू हो गया, जहां पर यहां पर चंद्रवंशी समाज के लेकर कई समाज के लोग हैं जो चाहते थे इस बार प्रेम कुमार को डिप्टी सीएम बनाया जाए। और क्या कुछ कहेंगे नवादा के लोग, इनसे जानते क्या मांग है आप लोग की। मेरा नाम मनोज चंद्रवंशी हुआ, मैं वार्ड पार्षद हूँ। मैं माननीय नरेंद्र मोदी से मांग करता हूँ कि बिहार के इस बार डिप्टी सीएम के लिए प्रेम कुमार से बढ़िया चेहरा कोई नहीं है, क्योंकि इनके कार्यकाल में इन्होंने 5-5 मंत्रालय चलाया, कृषि विभाग, नगर विकास, पीडब्ल्यूडी, पीएचडी, और सारे मंत्रालय को इन्होंने बखूबी चलाया और मंत्रालय को दौड़ाने का काम किया। लेकिन इसके ठीक उल्टा माननीय सुशील मोदी का हर जगह लोगों ने विरोध किया। इसलिए हम लोग चाहते हैं, चंद्रवंशी समाज चाहते हैं कि सुशील मोदी को नहीं बनाकर हमारे माननीय प्रेम कुमार को उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो सुन रहे थे, ये वार्ड पार्षद भी है, एक और भी, ये भी वार्ड पार्षद है, क्या कहेंगे आप लोग? हम यही चाहेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे चंद्रवंशी समाज से प्रेम कुमार जो जीते हैं, लगातार मैंने 40 वर्षों से जीतते आ रहे हैं, इसलिए उनको मुख्यमंत्री पद मिलना चाहिए, यही हमारे प्रधानमंत्री से आग्रह है। सुशील मोदी क्यों नहीं? सुशील मोदी का हमेशा हर जगह माने ये आ रहा है, विरोधाभास चल रहा है हर जगह। देखिए, यहाँ पे एक युवक है, इनका भी राय जानना की कोई, क्या कहेंगे आप, क्या कहना चाहते हैं? हम कहना चाहते हैं कि प्रेम कुमार को भी डिप्टी सीएम बनाना चाहिए, सुशील मोदी के खिलाफ बहुत विरोध हो रहा है। देखिए, यहाँ पर लोगों का कहना है कि इस बार प्रेम कुमार को डिप्टी सीएम बनाएगा, सुशील मोदी का लोग विरोध कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? मेरा नाम सुरेश सिंह चंद्रवंशी हुआ, मैं पूर्व वार्ड पार्षद हूँ। हम लोग एनडीए के हैं, एनडीए के लिए चुनाव में काम भी किए हैं। हमारी मांग है कि माननीय प्रधानमंत्री जी से कि उप मुख्यमंत्री पद पर माननीय प्रेम कुमार जी को बनाया जाए। इसके पीछे यह कारण है कि माननीय प्रेम कुमार जी अति पिछड़ा समाज के बिहार के सर्वमान्य नेता हैं। एक, इस चुनाव में भी इन्होंने पूरा बिहार घूम घूम कर अति पिछड़ा समाज को का वोट दिलाने के लिए, एनडीए को वोट दिलाने के लिए इन्होंने काम किए हैं, और इनका कहीं भी विरोध, किसी प्रकार का विरोध पूरे बिहार में नहीं हुआ है। और जिस व्यक्ति को एनडीए के तरफ से बनाया गया था उप मुख्यमंत्री माननीय सुशील कुमार मोदी जी का, उनका पूरा बिहार भर में मैंने इस चुनाव में विरोध किया गया। इसलिए हम लोग का मांग है कि उप मुख्यमंत्री पद पर माननीय प्रेम कुमार जी को बनाया जाए, यही हम देख रहे थे। नवादा के कुछ लोग है जो चाह रहे थे इस बार प्रेम कुमार को डिप्टी सीएम बनाया जाए, युवक है, क्या सोच है आपकी? जी, मेरा नाम राहुल कुमार है और मैं आपके प्रेस के माध्यम से मैं एक मांग रखना चाहता हूँ। भाजपा के जितने भी शीर्ष नेता हैं और वरिष्ठ नेता हैं, जो कि शुरू से ही लगे हुए हैं इस पूरे विधानसभा चुनाव में, कि लगातार 8 टर्म से प्रेम कुमार जीतते आ रहे हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि अति पिछड़ा समाज से कोई ऐसा चेहरा हो जो सर्वांगीण विकास का काम करे। जहाँ तक सुशील मोदी की बात है, जितने वर्षों से वो डिप्टी सीएम रहे हैं, उनको देखा जाए, चाहे वो बाढ़ की स्थिति पटना में आए, वो खुद अपने कार्य को छोड़कर रोड पर चले आए, तो कहने का मतलब है कि जब एक छोटी सी विपदा जो बिहार में आई, एक छोटा सा बाढ़ की जो विपदा, जिसमें कि अन्य जितने नेते थे, लोग थे, उन्होंने काम किया, लेकिन वो अपने कार्य से विमुख होकर वो रोड पर चले हैं। तो इस कारण से जब एक छोटी सी काम में वो विफल हो चुक सकते हैं, तो ये तो बहुत बड़ा पद है। तो कहने का मतलब है कि प्रेम कुमार को निश्चित रूप से डिप्टी सीएम होना चाहिए, और चूँकि वो एक खिलता चेहरा है और एक उनका पकड़ हर समाज के की ओर है, तो मैं चाहूँगा कि प्रेम कुमार एज ए डिप्टी सीएम रहे, ही विल बी गुड फॉर आवर बिहार। देखिए, और भी कुछ लोग, क्या सोच है आपकी? मेरा नाम हुआ सुबोध सिन्हा और मैं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का
और नरेंद्र मोदी का आभारी हूँ कि ये नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में बरकरार रखा। परंतु उप मुख्यमंत्री का बात है तो उप मुख्यमंत्री बदला जाए। ये माननीय सुशील कुमार मोदी जितने साल रहे उप मुख्यमंत्री के रूप में वो किसी तरह का कोई उपलब्धि प्राप्त नहीं किए, और आम कार्यकर्ताओं में भी रोष है उनके प्रति, किसी तरह का कोई कार्यकर्ता भी जो है उनसे खुश नहीं है। और जहाँ तक बात है अब बदलने का उप मुख्यमंत्री, तो डिप्टी सीएम यानी उप मुख्यमंत्री ये प्रेम कुमार से अच्छा कोई नहीं होगा और उन्हीं को बनाया जाए। मैं मांग करता हूँ पुनः जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष से और नरेंद्र मोदी से कि वो उप मुख्यमंत्री प्रेम कुमार को बनाए। तो आप देख रहे थे नवादा के ये लोग हैं जिन्होंने साफ तौर पे कहते जो सुशील मोदी है उनका इन लोग विरोध कर रहे, इसलिए कि ये लोग जो भी कार्यकर्ता है एनडीए के कार्यकर्ता एनडीए के लेके ये लोग बढ़करी किए। और नवादा में ये लोग साफ तौर पे कह रहे थे इस बार जो सीट जीत के आई है एनडीए, मुख्यमंत्री का चेहरा बिल्कुल ही सही है, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री जरूरी है, लेकिन उप मुख्यमंत्री का चेहरा इस बार बदले और प्रेम कुमार तो उप मुख्यमंत्री बनाए। जो हम तस्वीर दिखा रहे देख सकते थे इन लोग जो है या बताया भी जा रहा है तो ये लोग प्रेम कुमार से कल मुलाकात भी किए हैं और वहाँ पर इन लोग जाते बातचीत भी किए हैं और उनको सम्मान भी किए, क्योंकि प्रेम कुमार लगातार 8 बार गया से वो विजय हुए हैं और इस बार भी उन्होंने काफ़ी बहुमत से विजय हासिल किए, जिसके लेके ये लोग चाहते हैं तो इस बार बिहार के डिप्टी सीएम प्रेम कुमार हो। नवादा से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए अमन की रिपोर्ट।